हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका टॉपर टॉक में। मैं हूं आयुष अरोड़ा और आज हम हैं कलश के साथ। कलश एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 में रैंक 9 आया इनका। कॉन्ग्रेचुलेशंस कलश। थैंक यू सर। सो कलश रैंक 9, मतलब सिंगल डिजिट रैंक। यस सर। तो कैसे हुआ ये, मतलब मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने कैसे डिसाइड किया है करना है। हाँ सर, मैं यूपी के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। अच्छा। और तो मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही अपनी प्रिपरेशन ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट कर दी थी। तो ग्रेजुएशन आप किस में कर रहे थे? ग्रेजुएशन मेरा पीसीएम में था, बीएससी। ओके। तो उसी के साथ मैंने इधर भी अपना तैयारी जारी कंटिन्यू रखा और साथ में यही था कि कोई भी एग्ज़ाम आता है पहले मुझे देखना है कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो एक दो एग्ज़ाम आए और उसमें मैंने ट्राई किया लेकिन उसमें नहीं हुआ। नहीं, लेकिन ये कैसे पता चला कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का एक एग्जाम होता है? आपकी फैमिली में कोई था? नो सर, कोई नहीं था। बस नोटिफिकेशन देखा कि एसएससी जीडी का आया है। अच्छा। तो उस टाइम यही था कि प्रिपरेशन चल रहा है तो मुझे कोई भी एग्जाम हो अपना ये देखना है कि मेरा तैयारी कैसा चल रहा है। तो इसलिए मैंने जीडी का फॉर्म भर दिया और फिर वही था कि उस टाइम मेरा कोई दूसरा एग्जाम नहीं लगा हुआ था तो मैंने 2 या 3 महीने सिर्फ जीडी के एग्जाम को दिया हुआ था। अच्छा। प्रिपरेशन मैंने पहले से ही कर ली थी क्योंकि सिलेबस लगभग सेम रहता है सबका और बस वो दो तीन महीने थे लास्ट के, वो मैंने मॉक बहुत लगाया। अच्छा। तो कौन कौन से, मतलब आप मल्टीपल एग्जाम्स के साथ में तैयारी कर रहे थे एसएससी के? सर एसएससी का ही था उस। अच्छा। तो सारे एग्जाम्स की फिर आप साथ में ही तैयारी कर रहे थे? हाँ, क्योंकि मेरा शुरू ही हुआ था क्योंकि एज भी मेरा 18 था तो फॉर्म ज़्यादा भर नहीं सकते थे। एक CHSL दे सकते थे और एक GD वगैरह और उस टाइम कोई ज़्यादा फॉर्म आया नहीं थे तो बस मैंने इन्हीं 2 में ट्राई किया तो CHSL में नहीं हुआ और साथ में इधर GD में हो गया। अरे बहुत ही सही। तो आपने प्रेपरेशन, मतलब जब स्टार्ट करी तो कोई पर्टिकुलर बुक्स, कोई पर्टिकुलर टीचर्स, कोचिंग वगैरह कुछ किया आपने? हाँ सर, मैं थोड़े दिन इंटर के बाद छत्तीसगढ़ में रही थी। अच्छा। 6 मंथ तो मैंने वहाँ पे थोड़ा ऑफलाइन कोचिंग लिया हुआ था। अच्छा। तो वहाँ पे टीचर्स मेरे एक प्रकाश सर थे। अच्छा। मतलब GS मुझे, मेरा बेस वहीं से बना। पढ़ने का तरीका, मतलब मैं पढ़ती थी, ये था मैं मेहनत किया घर पे लेकिन जो एक मेरा वहाँ से चेंज हुआ कि पढ़ने का तरीका, आपको कैसे पढ़ना है, स्मार्टली कैसे पढ़ना है, तो वो उन्होंने सर ने बताया और मुझे काफ़ी हेल्प वहाँ से मिली तो मेरा बेस वहाँ से क्लियर हो चुका था कोचिंग से। और फिर आके मैंने बस खुद से ही प्रैक्टिस, यूट्यूब और मॉक, बस 2 चीज़ किया। तो कैसे पढ़ते हैं स्मार्टली, क्या आप हमारे साथ भी शेयर कीजिए? आप सबसे पहले तो आप पेपर का पैटर्न समझ गए। अच्छा। कि एग्ज़ाम आपसे डिमांड क्या कर रहे हैं। हाँ जी। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको जितना एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको नॉलेज के लिए चाहिए तो आप पढ़ सकते हो लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और आपके पास लास्ट का 2 या 3 मंथ बचा हुआ है तो आप सिर्फ एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़िए। अच्छा। क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और क्या एग्जामिनर हमसे चाह रहा है, तो वो भी ये होता है कि हम जितना मॉक देते हैं हमको तब पता चलता है। तो मैंने खूब सारे मॉक्स लगाए तो मुझे लगभग आइडिया हो गया था कि पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। अच्छा। और मैंने मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा पकड़ अपनी अच्छी बनाई कि GS में मैंने अच्छा किया था, मेरा GS भी ठीक ठाक था लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि GS में कोई वो रिस्की हो सकता है कि पेपर पता नहीं कहीं से भी आ सकता है। तो मैंने सबसे ज़्यादा रीजनिंग और मैथ्स को प्रैक्टिस किया कि वो 25 क्वेश्चन मैथ्स का रहता है और 25 रीजनिंग का। तो मुझे ये था कि मुझे मैथ्स और रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 लाना है। अच्छा। तो मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत उस पर किया। हाँ जी। तो प्रैक्टिस भी किया तो मेरा खैर रीजनिंग में 25 आया भी और मैथ्स में 22.5 आया एक क्वेश्चन और हिंदी में भी ऐसे ही 22.5 आया था। अच्छा। और मेरा बस थोड़ा GS रहा था क्योंकि GS मुझे पता था उतना अच्छा नहीं होगा तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा अच्छा स्कोर बना तो वो सिर्फ मैथ्स रीजनिंग के दम पे। और यही है कि आजकल कोई भी एग्ज़ाम होता है तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैथ्स और रीजनिंग अगर आपका अच्छा है तो आप एग्जाम निकाल सकते हो आराम। आपको मैथ्स और रीजनिंग पे अच्छी पकड़ बनानी है तो जो आपका स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करो थोड़ा। यस। अच्छा। तो मैथ्स रीजनिंग आपका स्कूल में कैसा था? मैथ्स आपका शुरू से बहुत अच्छा था या आपने थोड़ा? हाँ सर, अच्छा था क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड ही था। अच्छा। तो मुझे समझने में बाद में दिक्कत नहीं हो रही थी लेकिन ये है कॉम्पिटिशन का मैथ्स थोड़ा अलग रहता है। जी। तो उसका थोड़ा टाइम लगा। मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया, ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मैंने मैथ्स का प्रैक्टिस ना किया। स्टार्टिंग में तो मैं पेन कॉपी लेके प्रैक्टिस करती थी, लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि मैं ट्रैवलिंग भी कर रही हूँ, फिर भी मेरा यूट्यूब वैसे चल रहा है, डबल स्पीड पे मन में ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जो नहीं समझ में आया स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में समझ लिया उसको, ऐसे हो गया। अच्छा, नहीं ये तो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन आपने दो बातें बोली कि आप जैसे यूट्यूब से पढ़ते थे और आपने दूसरी बात बोली कि एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी चाहिए। तो यूट्यूब पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये, मतलब जैसे स्पेशली जीएस जैसा अगर सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें क्या कहाँ पे जो नॉलेज सुनने में अच्छी लग रही है और क्या एग्जाम ओरिएंटेड है, ये हर जगह अप्लाई होता है सारे ही सब्जेक्ट्स में। तो कोई ऐसे पर्टिकुलर लोग जिनको फॉलो करते थे या फिर कोई पर्टिकुलर टीचर्स जिनको आपने फॉलो किया, आपने बेसिकली आपने ये कैसे फिगर आउट किया कि क्या एग्जाम ओरिएंटेड है और क्या नहीं है? सर सबसे पहले मैंने जीएस के लिए सिर्फ पहले डिटेल्स में पढ़ा। अच्छा। भले वो ट्राई तो किया कि यूपीएससी लेवल का पढ़ूं, लेकिन उतना नहीं हुआ, फिर भी मैंने काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा। ओके। और फिर मुझे अगर वो डिटेल पूरा डिटेल्स में पता है और फिर मुझे बाद में ये भी पता चल गया कि एग्जाम में क्या पूछना चाह रहा है, एग्जाम हमसे क्या डिमांड कर रहा है, तो फिर मैंने उस हिसाब से पढ़ा, उसी में से अलग करके। अच्छा। मतलब मुझे पहले तो मेरा डिटेल्स में क्लियर है और फिर बाद में मैंने भाई वन लाइनर टाइप से ऐसे प्रैक्टिस ही करते जा रहे हैं। अगर कुछ पता चल गया कि ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, एग्जाम में नहीं इससे आएगा, तो फिर मैंने थोड़े दिन के लिए उसको छोड़ दिया। अच्छा। जीएस का मेरा ये स्ट्रेटजी रहा था। और बाकी सब्जेक्ट्स में? और बाकी सब्जेक्ट्स में यही था कि पहले तो पूरा कंप्लीट कर लिया, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो। हिंदी मैंने पूरा नहीं कंप्लीट किया था, हिंदी सिर्फ उतना एग्जाम के लिए पढ़ा था। और मैथ्स और रीजनिंग में पहले पूरा कंप्लीट कर लिया और फिर जब मॉक देते गए तो जो पता चला कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछ रहे हैं, तो फिर उन्हीं पे सिर्फ वर्क किया। तो पूरा कंप्लीट कर लिया, मतलब आप कोई पर्टिकुलर बुक को रेफर कर रहे थे? सर बुक तो नहीं, मैंने यूट्यूब में हाँ टीचर से, बहुत सारे टीचर से पढ़ा, अभिनय सर से पढ़ा, कैरियर के बहुत सारे टीचर से पढ़ा, गगन प्रताप सर से, बहुत सारे टीचर से क्लासेस लिया, उनका नोट्स में बनाती हूँ। मैंने बुक आज तक मैथ्स का कोई नहीं लिया, मैथ्स ना रीजनिंग, जीएस का भी एक ही दो है ऐसे ही, लेकिन बुक से पढ़ा नहीं, मैं नोट्स खुद के बनाती थी यूट्यूब से। तो आपने कोई पेड कोर्स नहीं लिया, आपने सिर्फ यूट्यूब से? हाँ, मॉक लिया था मैंने। अच्छा। उसके लिए पेड किया था। तो आपने जैसे मॉक कब देने स्टार्ट किए? भाई एग्ज़ाम मेरा दिसंबर में एग्ज़ाम था और मैंने सितंबर से लगभग स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो तैयारी एक बार ख़त्म कर ली, उसके बाद आपने फिर मॉक का सब्सक्रिप्शन लिया? नहीं, मॉक का सब्सक्रिप्शन पहले से था। अच्छा। इसका देना तब शुरू किया जब फॉर्म पड़ गया और उसके बाद देखा कि अभी 2-3 महीने हैं, तो फिर मॉक देना स्टार्ट किया। तो आप सेक्शनल मॉक्स भी देते थे या सिर्फ पूरे पेपर वाले मॉक देते थे? सेक्शनल मैंने कम ही दिए हैं, 2 या 3 ही ऐसे दिए होंगे, बस पूरा पेपर। अच्छा, तो एंड में एक बार तैयारी खत्म होने के बाद तो क्या स्ट्रैटेजी थी वहाँ पे, कितने मॉक देते थे एक दिन में, कैसे नंबर आते थे? स्टार्टिंग में तो एक मॉक, स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता था कि मॉक देंगे, पता नहीं कैसा स्कोर आएगा, फिर ये ना हो कि डिमोरलाइज हो जाए, फिर तैयारी ना हो पाए। तो फिर भी मैंने ट्राई किया, 1 या 2 मॉक्स दिया स्टार्टिंग में, डेली नहीं हो पाता था, फिर भी वीक में कम से कम 3 या 4 मॉक्स दिया। अच्छा। स्कोर स्टार्टिंग में मेरा स्कोर वही 65 to 70 जाता था। अच्छा। और स्पीड ठीक था स्टार्टिंग से, मेरा पेपर वही 170 मिनट में हो जाता था। और फिर मैंने फिर भी वर्क करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आ गया मॉक्स में, एकदम हैबिट बन गई कि मुझे मॉक तो देना ही, पढ़ाई भले रिवीजन भले ना हो, क्योंकि मॉक में भी आपको एनालिसिस बहुत मिलता है, तो वहाँ से भी आपको पता हो जाता है। और फिर धीरे धीरे एक दिन में 2-3 ऐसे मॉक्स हो जाते थे, मतलब मुझे जब टाइम मिला, स्कूल में मेरा लंच टाइम हो रहा है, लंच खत्म किया, एक मॉक फटाक से दे दिया। अच्छा। और मेरा ये रहता था कि पेपर 1.5 घंटे का है, लेकिन मुझे 1 घंटे में खत्म करना है। अच्छा। स्टार्टिंग से मेरा वो था कि 1.5 घंटे तो मुझे खींचना ही नहीं, कैसे भी करके मुझे 1 घंटे में खत्म करना है, भले 1-2 क्वेश्चन छूटते थे मैं छोड़ देती थी, लेकिन मुझे स्पीड अपनी मेंटेन करनी थी। अच्छा। तो मैंने वो किया। तो आपने स्पीड पे ज़्यादा ध्यान दिया? स्पीड पे ज़्यादा ध्यान दिया, मैथ्स और रीजनिंग, और वही धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया, इसको पहले 70 गया, 80 गया, फिर 85, 88 ऐसे गया। अच्छा। हाईएस्ट स्कोर मेरा 88 गया था मॉक में, और जीडी में भी मेरा 87.5 ऐसे आया था। बहुत सही। सो आपने पेपर जब अटेम्प्ट करने का प्लान किया तो उसके लिए भी कोई स्ट्रैटेजी बनाई कि पहले क्या सेक्शन किया फिर क्या सेक्शन? हाँ सर, पहले मेरा रहता था कि मैं जीएस से ही शुरुआत करती थी। अच्छा। और फिर हिंदी। ऐसा क्यों? पहले जीएस क्यों? मुझे ऐसा लगता था कि जीएस मुझे आता है, मतलब आता नहीं है, मतलब मेरा ठीक ठाक था तो मुझे लगता था मैं जीएस में कर लूँगी। लेकिन फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जीएस में क्वेश्चन छूटने शुरू हुए। अब आगे का पेपर, अब ये है पहला सेक्शन ही अगर थोड़ा अच्छा नहीं गया तो आगे के सेक्शन में थोड़ा प्रेशर बन जाता है, तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते थे। तो फिर मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, पहले रीजनिंग से शुरू किया। अच्छा। फिर साथ में मैथ्स भी लिया तो लिया, नहीं तो हिंदी, और फिर मैथ्स, और लास्ट में जीएस। क्यों? इन तीनों में अगर मैंने बेस्ट दे दिया तो जीएस खराब भी होगा, फिर भी मेरा ठीक ठाक हो जाएगा स्कोर। तो जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था वो सबसे पहले कर लिया वो? हाँ, वो फिर लास्ट में कर दिया। अच्छा। और टाइम डिवाइड कैसे करते थे आप? टाइम मेरा यही था कि 15 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा तो देना ही नहीं। रीजनिंग तो 15 मिनट या 12 मिनट में ही हो जाती थी आराम से। अच्छा। लास्ट टाइम, स्टार्टिंग में लग गया था मुझे 20 मिनट तक। और मैथ्स का भी यही था कि 25 क्वेश्चन है तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। अच्छा। कभी कभी लग जाता था 16 या 17 मिनट तक, लेकिन लास्ट टाइम तक स्पीड ऐसे आ गई थी। और बस इसी हिसाब से। और जीएस तो वही है, अगर आ रहा होता है तो 5 मिनट में हो जाते हैं। हाँ। नहीं आ रहा होता है तो फिर उसको छोड़ना ही रहता है, या फिर एक दो बार सोच लो, 3 या 4 मिनट ऐसे लगता है। तो आपने जैसे काफ़ी लंबा टाइम स्पेंड किया तैयारी करते हुए। यस सर। तो ऐसे पॉइंट पे क्या होता है ना, जो हमने स्टार्टिंग पढ़ा वो हम भूल गए, तो 3 चीज़ें रह जाती हैं, तैयारी, रिविजनिंग और मॉक। तो इन तीनों में आपको क्या लगता है कब क्या करना चाहिए? तीनों चीज साथ में करनी चाहिए या पहले सिलेबस खत्म कर लो फिर रिवीजन करो फिर मॉक? एक बार आप सिलेबस पूरा डिटेल से पढ़ लीजिए। अच्छा। और प्रैक्टिस, आप अगर एग्जाम नहीं है तो आप पूरा सिलेबस का प्रैक्टिस करिए, मतलब आपने जितना किया हुआ है। और उसके बाद अगर जब आपका एग्जाम आ जाए तो आप फिर एग्जाम ओरिएंटेड उसमें ढूंढिए कि आपको एग्जाम में क्या डिमांड कर रहा है और आपके सिलेबस में कितना एग्जाम ओरिएंटेड मिल रहा है। अच्छा। फिर आप उसी को रिवीजन करिए, और धीरे धीरे अगर आपको लग रहा है मैंने एक बार सिलेबस रिवीजन कर लिया अच्छे से तो आप मॉक देना शुरू करिए। और साथ में वही है, मॉक में अगर कुछ छूट रहा है, जहाँ जिस सेक्शन से नहीं क्वेश्चन हो रहा है उसका फिर से रिवीजन करिए। बस यही है, जितना रिवीजन और प्रैक्टिस। रिवीजन करिए। तो आपका जब तैयारी चल रही थी तो एक नॉर्मल दिन कैसा लगता था, कितनी देर पढ़ते थे आप? कोई मेरा टाइम फिक्स नहीं था, लेकिन ये था मुझे 2 से 3 मॉक्स देने रहते थे। और मेरा उस टाइम कॉलेज भी चल रहा था, ये तो मेरा कॉलेज भी जाना रहता था, तो जितना मुझे टाइम मिलता था सुबह मिला उतना रिवीजन कर लिया। मन हुआ तो मॉक दे दिया सुबह, नहीं तो स्कूल गए। स्कूल में अगर कोई टीचर नहीं है क्लास में तो बैठ के अपना मॉक लगा रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा एनालिसिस वहाँ पे नहीं करते थे, एनालिसिस घर पे आके ही करते थे। अच्छा। जो क्वेश्चंस नहीं आना उसको लिख लिया कॉपी पे, 1 लाइनर टाइप के, और उसको एक बार रिमेम्बर कर लिया कि अच्छे से ना वही करना है, क्योंकि ये रहता है क्वेश्चन बहुत सारे हर बार वही रिवाइज होते रहते हैं बार बार SSC में, तो ऐसे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो और आपको टेस्ट बुक के बारे में कैसे पता चला? सर टेस्ट बुक को तो मैं 2020 में मैंने देखा था। अच्छा। सबसे पहले मैंने मॉक इसका पता किया कि पहले मैंने दूसरी कंपनी का लिया हुआ था, तो मुझे वो उतना नहीं सही लगा। अच्छा। क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे ज़्यादा थोड़ा स्टार्टिंग से टफ डाल रहे थे, तो पहले से ही हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता था। तो इसके बाद थोड़ा मैंने सोचा दूसरा ट्राई करते हैं, तो मैंने टेस्ट बुक के बारे में पता चला। और फिर इसका ये भी था कि सस्ता था थोड़ा। हाँ। काफ़ी सा, तो मैंने टेस्ट बुक लिया और फिर धीरे धीरे इसी से मॉक देना शुरू किया। तो देखा तो काफ़ी अच्छा, यहाँ का मॉक मुझे सबसे बेस्ट मॉक लगा कि सेम टू पहले एकदम से डिफ़िकल्टी लेवल हाई नहीं करते हैं, धीरे धीरे वो आपको डिफ़िकल्टी लेवल आपका हाई ऊपर तक जाता है, और सेम एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही देते हैं, इधर उधर का नहीं कुछ रहता है। तो सेल्फ स्टडी में एक प्रॉब्लम आती है बहुत से स्टूडेंट्स को कि डाउट्स आते हैं तैयारी करते हुए ऑब्वियसली। तो वो डाउट सॉल्व करने के लिए कोई नहीं होता। तो आपने कैसे मैनेज किया इस चीज़ को? अच्छा, मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग में जब डिटेल से लिख लिया, मेरे पास नोट्स पूरा डिटेल से लिखा हुआ है, और उसके बाद अगर मुझे कोई कभी डाउट आया तो वही है कि मैं सिलेबस को फिर से देखती थी, उस चैप्टर को देखती थी। एक बार में नहीं आया, 2 बार में नहीं आया, फिर उसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। फिर उसको आप 1-2 फ्रेंड सर्कल में हैं अगर तो उनसे कभी डिस्कशन कर लिया तो उनसे सॉल्व हो जाते थे, और नहीं होता था तो थोड़े दिन बाद जब कहीं ना कहीं से यूट्यूब पे ही मैं सर्च करती थी और मुझे उसका सोल्यूशन मिल जाता था। अच्छा। तो आपके और भी फ्रेंड्स थे ऐसे जो तैयारी कर रहे थे? हाँ सर। तो आप साथ में तैयारी करते थे कैसे? पर्टिकुलर SSC GD के लिए नहीं थे, मुझसे सीनियर भी थे। अच्छा। मुझे कोचिंग में 1-2 लोग मिले थे और मेरे कॉलेज में भी हैं। अच्छा, वो तो जो ऑफलाइन कोचिंग ली थी आपने? यस सर। अच्छा, तो उन्हीं में फिलहाल ज़्यादा लोग नहीं थे, 2003 लोग ही थे, तो उनसे मेरे काफ़ी डाउट क्लियर हो जाते थे। और उनका कैसा रहा रिजल्ट इस बार? सर उन्होंने जीडी नहीं दिया था। अच्छा। वो रेलवे वगैरह का ट्राई करते थे तो उनका उसमें हो गया था। अच्छा ठीक है, तो अब अगर स्टडीज से थोड़ा एक बार फिर से मॉक्स पे आए। यस सर। तो आपने बोला कि मॉक्स आप देते थे फिर उसको एनालाइज करते थे घर जाके। यस सर। तो एनालिसिस करने का सही तरीका क्या होता है आपके हिसाब से, कैसे करना चाहिए मॉक को एनालाइज? पहले तो आप जब एनालिसिस करिए तो आप अपनी एक्यूरेसी देखिए, आप किस हिसाब से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपका गलत कितना जा रहा है और सही कितना जा रहा है, और साथ में जो सही गया वो तो ठीक है, और कभी कभी ये भी होता है ना कि हम गेस करके सही मेरे एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं लेकिन हमको उसका आंसर क्लियर नहीं पता होता है, तो उनको भी आप याद रखिए कि वो आपके गलत ही थे क्वेश्चन, आप उनको सही मत मानिए, और साथ में जो गलत भी हुए हैं तो उनको आप अच्छे से, पहली बार टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा एनालिसिस देता है। अच्छा। तो पूरा आप एनालिसिस समझिए और उसको लिखिए जरूर। अच्छा। हाँ, एक बार में याद हो जाता है। यस सर। मैं लिखती जरूर थी उसको। अच्छा। भले मुझे याद भी है लेकिन मैं फिर भी उसको लिख लेती थी। अच्छा। तो मुझे एक बार रिवीजन में मेरा हो जाए फिर से, तो यही है कि आप एनालिसिस करिए तो उसको लिखिए जरूर और उसको बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं तो कई बार होता है कि हमारे बैक क्वेश्चन ही फंस जाते हैं जो पढ़ चुके हैं ऐसे। अच्छा, और आपने बोला कि आप अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए नोट्स बनाते थे। yes, तो नोट्स बनाने की आपकी कोई स्ट्रैटेजी थी या सिर्फ मतलब जो पढ़ते गए लिखते गए? हाँ, पहले मैंने डिटेल में पढ़ा तो वो अच्छे से लिखा। अच्छा। लेकिन कभी ये नहीं रहता था कि बहुत अच्छे से कॉपी बनानी है ऐसे करके, बस। अच्छा। हाँ, कि मेरे सारे लिखे होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स। अच्छा। एक बार मैं जब रिवीजन करूँ तो सारे कॉन्सेप्ट मुझे याद आ जाने चाहिए। तो मेरे नोट्स सारे इसी टाइप के रहते थे, तो अभी भी वो उसको देखते हैं तो वो एकदम रफ कॉपी टाइप के लगते हैं, कभी उसमें ढूंढो तो बस हम ही ढूंढ सकते हैं, कोई दूसरा उसमें ढूंढ नहीं सकता कॉन्सेप्ट कहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, तो आप नॉर्मली जब कॉलेज जा रहे थे। yes, तो साथ में क्या रूटीन होता था कि कॉलेज, क्योंकि कॉलेज जाना भी जरूरी है, वहाँ भी अटेंडेंस रखनी है। yes, तो आपका पढ़ाई का रूटीन क्या रहता था? सर मेरा 10 से 4 कॉलेज रहता था, तो मेरा सुबह का यही रूटीन रहता था कि वही 5 या 6 बजे तक उठ जाते थे इस टाइम तक, और उठ के मेरा थोड़ा हैबिट था कि योगा करने का। अच्छा। तो योगा का भी मन हुआ, मेडिटेशन भी कर लिया, ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिविटी का स्टार्टिंग से मुझे थोड़ा शौक रहा है, तो ये भी करते थे, तो ये सब कर लिया। 1 घंटा या 1.5 घंटे में ये सब खत्म हो जाता था, और उसके बाद मेरा उस ये रहता था कि मॉक में जो भी सब्जेक्ट वीक चल रहा है, जिसके क्वेश्चंस मेरे से ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो सुबह टाइम में मैं वो रिवीजन ज़्यादा कर लेती थी। अच्छा, सुबह जल्दी उठ के। यस सर। और फिर उसके बाद कॉलेज गए, और रास्ते में मेरा वही 20-25 मिनट रास्ते में लगता था, तो उतनी देर में मेरा मैथ्स का एक क्लास खत्म हो जाता था डबल स्पीड में, और फिर कॉलेज पहुँचे, और फिर वहाँ पे टाइम मिला, टीचर्स आ गए, लेक्चर लिया उनका, अगर टीचर्स नहीं है तो उसके बीच में क्लास कोई छूटा है तो वो ले लिया, और नहीं तो लंच टाइम मॉक वगैरह दे दिया, और फिर घर आके मॉक देते थे 1 या 2, और मैक्सिमम 2 या 3 ही हो पाते थे एक दिन में, और फिर उसका शाम को बैठ के अच्छे से एनालिसिस, और जो नहीं हुआ फिर से उसको रिविजन पे सुबह डाल दिया, सुबह या शाम को रिविजन करके ऐसे करते थे। अच्छा, मतलब दिन में 7-8 घंटे तो हो जाते थे पढ़ाई के, क्योंकि आप तो आते आते रास्ते में भी पढ़ाई कर रहे हो। हाँ सर, हो जाता था। बीच में टीचर नहीं है, प्रैक्टिस वहीं से, मेरी स्पीड वहीं से, रास्ते से ही बनी है। डबल स्पीड पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। नहीं, ये अच्छा आइडिया है, मतलब ऑब्वियसली है कि हर टाइम को यूज़ करो। तो आपने ऐसे भी बात करी योगा की, मेडिटेशन की, तो क्या आपको लगता है इन चीज़ों ने भी आपकी हेल्प करी? यस सर, ये चीज़ें अगर जैसे योगा और मेडिटेशन हम करते थे, अभी भी करते हैं, तो अभी उतना मेरा प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो एक तो आप फिट रहते हो, उसका आपको कोई हेल्थ इशू नहीं रहता है, और ऊपर से आप दुनियादारी से थोड़ा कम ऐसा लगता है कि मेरा मतलब रहता है, अगर आप योगा मेडिटेशन वगैरह करते हो तो आप अलग ही लेवल का थोड़ा सोचने लगते हो, और काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब कि ठीक है जितना अपना पढ़ाई से मतलब उतना रखो, और जितना आपको चाहिए, जितना आपके लिए ठीक है उतना, मतलब फालतू का कुछ नहीं रहता। अच्छा, तो मेडिटेशन के लिए आप कोई अलग से टेक्निक यूज करते थे या? नो सर, थोड़ा बहुत YouTube और। अच्छा, YouTube। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आई थिंक एक अलग फोकस भी थोड़ा ज़्यादा कर पाते हैं, और काफी माइंड काफी शांत रहता था, सिर्फ मेरी पढ़ाई और बस पढ़ाई से ही मतलब रहता था, बस घर वाले पढ़े और कुछ नहीं। तो घर वालों ने कैसे रिएक्ट किया जब आपने डिसाइड किया कि अभी एग्जाम देना है? उस टाइम घर वालों को तो नहीं पता था कि कौन सा एग्जाम है क्या है, क्योंकि मेरा वही है, एक दो एग्जाम दे ही रहे थे और फिर बाद में पता चला, तो जब रिजल्ट आया तब उनको पता चला कि आखिर ये था किस लिए एग्जाम। और लिबर्ट पर दिखते रहते थे कि आप पूरा दिन पढ़ रहे हो तो। हाँ, लेकिन उतना फैमिली को नहीं पता था कि किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरा वही था एसएससी है, तो एसएससी में बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, किसी का भी है, तो पता था, काफ़ी लोगों को पता था, लेकिन मम्मी पापा या ऐसे पर्टिकुलर किसी को नहीं पता था कि मेरा किसके लिए एग्ज़ाम है। तो अच्छा। उसका रिजल्ट आने के बाद ही पता चला। मेरे मामा का ज़्यादा रहता था, वो मुझे स्टार्टिंग से ही डिफेंस में जाने का सोचते थे, तो वो काफ़ी मेरे को CISF किए थे, तो उनको काफ़ी खुशी हुई कि मेरा CISF में एटलीस्ट सिलेक्शन हुआ है, और घर वाले भी काफ़ी खुश थे। अच्छा, तो फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा था तो थोड़ी नर्वसनेस होती है, तो स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि लास्ट का एक हफ्ता, लास्ट का एक दिन क्या करना चाहिए? आपने क्या किया? मैंने इतना ज़्यादा मॉक दिया था कि मुझे उतना नर्वसनेस तो हुई नहीं थी। अच्छा, तो मुझे तो यही लगता था कि कितना जल्दी हो एग्ज़ाम है, बस मैं क्वेश्चन जितना जल्दी मुझे मिले मैं पेपर बस सॉल्व करके आऊँ। अच्छा। और वही था कि मेरा मॉक से ही ये कॉन्फिडेंस आया था, तो मॉक देते देते मुझे हैबिट जैसी हो गई पेपर का, मतलब सबसे अच्छा पेपर मेरा इसी का गया था। तो पेपर जब हम देने गए थे तो मुझे कोई डर नहीं था, 1% भी नहीं, मतलब बिल्कुल रिलैक्स चिल मार के मैंने पेपर दिया, और 1 घंटे में मेरा पेपर भी खत्म हो गया, और आधा घंटा बचा, उसको बार बार पलट पलट के देख रहे हैं, मेरे को 1-2 बार एग्जामिनर भी टोके कि क्या है, आराम से पेपर सॉल्व करो, अब उनको बता ही देना। तो ये काफ़ी अच्छा रहा था। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं सबसे पूछता हूँ। जब रिजल्ट आया तो आप कहाँ पर थे और आपने सबसे पहले क्या किया? अभी तो मैं कॉलेज कर रही हूँ, तो मेरा कॉलेज सीतापुर में है, तो मैं मौसी के घर पे ही रहती हूँ। अच्छा, तो उस टाइम रिजल्ट के टाइम मेरे साथ मौसी थे, तो सबसे पहले तो उन्हीं को बताया। हाँ। और उस टाइम थोड़ा सीरियस डिस्कशन चल रहा था थोड़ा, और जैसे ही मेरा रिजल्ट आया और हम इधर बैठे हुए हैं, और मैंने बताया नहीं किसी को कि रिजल्ट आ गया, मैंने कहा पहले देख लेंगे फिर बताएंगे आराम से। हाँ। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, मतलब ये क्लियर था कि हो जाएगा, क्योंकि पेपर मेरा काफ़ी अच्छा गया था। और फिर मैंने एकदम से बताया कि हो गया है मेरा, क्योंकि पहला एग्जाम था जिसमें हुआ था सिलेक्शन हुआ। रैंक तो मैं सर बाद में पता चली, लेकिन इसका रिजल्ट मार्च में ही आ गया था एग्ज़ाम का, तो मतलब अलग ही रिएक्शन था। 2-3 दिन तक अलग ही माहौल रहा सबका, बस कि हाँ कोई तो कम से कम फैमिली में हुआ, अभी तक इतना जॉब में कोई नहीं था, तो बहुत खुश हुए सब। बहुत अच्छी बात है। तो अब आई थिंक आपका फिजिकल भी क्लियर हो गया, मेडिकल सब क्लियर हो गया, तो अब आगे क्या प्लान करते हो फ्यूचर का? सर फ्यूचर का अभी मुझे होम स्टेट ही मिला है। अच्छा, अरे वाओ। CISF मिला हुआ है, तो अगर मेरा कॉलेज कंप्लीट होता है और साथ में मुझे जॉब मिल जाती है तो मैं ज्वाइन कर लूँगी, और अच्छा अगर नहीं होता है तो फिर दूसरा कोई वेट होता। अच्छा, तो आई एम श्योर आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। Yes, वो इंस्पायर्ड फील कर रहे होंगे थोड़ा सा। तो कोई पर्टिकुलर मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे, कोई सजेशंस उन लोगों के लिए जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं? यस सर, सबसे पहले तो लोग ये समझते हैं ना कि एग्ज़ाम बहुत टफ जाता है या कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करिए कि सबसे पहले आप डिटेल से एक बार पढ़ लीजिए, आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब वो फिनिश होगा ना तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आप क्वेश्चन इसके बाहर कहीं जा ही नहीं सकते, और जाएगा तो फिर वो 1-2 छोड़ना बनता है। और वही है, आप एग्ज़ाम यही है कि आप मान लो तो मुश्किल है और मान लो तो आसानी है, और स्टार्टिंग से आप एग्ज़ाम को आसान मान के ही चलिए और उसको टारगेट करिए कि मुझे। और ये एक चीज़ रहती है कि आप कभी कट ऑफ को मत देखिए कि कट ऑफ, हाँ एक बार देख लिया ठीक है उतना जा रहा है, लेकिन आप 100 का क्वेश्चन पेपर अगर आ रहा है तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितना अटेम्प्ट कर सकते हो, 90 से नीचे कभी सोचिए मत, क्योंकि आप नीचे सोचेंगे या आप कट ऑफ के आसपास सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन में फिर इसीलिए बच्चे रह जाते हैं 1 या 2 नंबर से। अच्छा। तो आप कट ऑफ के आसपास मत जाइए, आप हमेशा मैक्सिमम से जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो उतना करने का कोशिश करिए, और स्टार्टिंग से बस एग्जाम आसान है यही मान के चलिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो कॉन्फिडेंस की इम्पोर्टेंस आई थिंक बहुत ज़्यादा है, वो जब आप पढ़ लेंगे एक बार डिटेल में तो आपको खुद पे खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट कलश, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे भी सर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर।